ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिला कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष राकेश यादव की अध्यक्षता में रविवार को सिविल लाइन स्थित एक होटल में ब्लॉक अध्यक्षों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। पार्टी को मजबूत बनाकर लोकसभा चुनाव 2019 में सत्ता में आने के लिए ब्लॉक अध्यक्षों के साथ बातचीत के माध्यम से जनता को जोड़ने के लिए सुझाव दिए गए। अध्यक्ष अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी राहुल गांधी द्वारा आयोजित शक्ति प्रोजेक्ट के बारे में मतदाताओं से सीधे जुड़ने के लिए भी बताया गया। इस अवसर पर बैठक में पूर्व महापौर पवन बथवाल, कृष्ण मोहन दुबे, महेंद्र प्रसाद, वीरेंद्र प्रताप सिंह, शादाब अहमद, राम शब्द ओझा, हरीश चंद्र गुप्त, धर्मेंद्र सिंह, जयप्रकाश तिवारी सहित अन्य ब्लॉक अध्यक्ष मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए जिला अध्यक्ष राकेश यादव ने कहा, मैं पुनः आपसे माफी मांगता हूं, जिन ब्लॉकों में मैं नहीं गया पुनः मैं आपसे माफी मांगता हूं कि दुर्भाग्य था कि मैं वहां नहीं पहुंचा। पहले भी बहुत से लोग आए और हमारे बाद भी बहुत से लोग इस पद पर आएंगे। मैं जितने दिन भी इस पद पे रहूं, पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से कि आप अगर ऐसा करें तो ऐसे होगा और अच्छा होगा और आप हमारी प्लानिंग जो है तो अगर उन्हें ब्लॉक अध्यक्ष से ऊंची राजनीति करनी हो एक अध्यक्ष इनको बना दिया जाए, मैं उसको देख लूं, उससे काम करा लूं और आप मेरे साथ जिले से मेरे साथ अटैच हो जाए, कदापि आपको हम अपमानित या डिमोशन। हम 80% लोगों को अपने जिले में 80 मेरे साथ ये मैं आज आपसे पुनः मेरा सचिव नहीं हो सकता, किसी के घर का दरवाजा खोलने वाला व्यक्ति मेरा महासचिव नहीं हो सकता, ये मैं आपको ताले के साथ बताता हूँ। आपको उनके घर जाना होगा, चाची ने अपना वोटर कार्डवा निकल ले और उसके मोबाइल से अपना उसका वोटर आधार कार्ड उसी के मोबाइल से होगा, एक मोबाइल से एक बार आप प्रयास करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को शक्ति प्रोजेक्ट से जोड़े। और पुनः मैं बता दूं कि अगर आप कहीं जिला कांग्रेस कमेटी के मेंबर बनना चाहते हो या अपने ब्लॉक अध्यक्ष की कुर्सी बरकरार रखना चाहते हो तो जिस दिन मैं भेजूंगा कि फलाने हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, वो जब कंप्यूटर में फीड होगा कि धर्मेंद्र सिंह जी का नाम फीड होगा तो फिर वो कह देगा कि ये शक्ति प्रोजेक्ट से नहीं जुड़े हैं, वहां से आदेश आ जाएगा कि इनको अपने ब्लॉक अध्यक्ष हटा दीजिए क्योंकि ये शक्ति प्रोजेक्ट से नहीं जुड़े। आज हमने सभी ब्लॉक अध्यक्षों को एक मीटिंग के लिए बुलाया था, उनके विचारों को जानने के लिए कि कांग्रेस कैसे आगे बढ़ेगी, 2019 में पुनः हम सत्ता में कैसे आएंगे। इस विचार विमर्श के लिए समस्त ब्लॉक अध्यक्षों के साथ हमारी मीटिंग थी। शक्ति कार्ड का क्या उद्देश्य है? राहुल गांधी जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी ने एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है जिससे हम डायरेक्ट कांग्रेस पार्टी से जुड़ सकते हैं। एक शक्ति प्रोजेक्ट में हम अपने वोटर आईडी नंबर को मोबाइल में मैसेज बॉक्स में मैसेज करते हैं और फिर एक नंबर है 9702199911 पे हम मैसेज करते हैं, हम डायरेक्ट राहुल गांधी के शक्ति प्रोजेक्ट से जुड़ जाते हैं। हमारे पास मैसेज आता है कि आप शक्ति प्रोजेक्ट से जुड़ गए, राहुल गांधी का एक वॉयस कॉल आता है कि शक्ति प्रोजेक्ट से जुड़ने के लिए धन्यवाद। कांग्रेस की मजबूती के लिए हम ये कदम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उठाया है, उसी को हम पूरा कर रहे हैं।